नमस्कार। आज हम 12वीं कक्षा के अध्याय मान की लोच के बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है मान की लोच। नेक्स्ट। जैसा कि आप पूर्व में जानते हैं, मान का नियम, मान का नियम क्या कहता है? मान का वक्र ये बता रहा है कि जब वाई एक्स पर कीमत कम होती है तो वस्तु की मांग बढ़ती है। तो मांग का नियम यही कहता है कि जब वस्तु की कीमत कम होगी उसकी मांग बढ़ती है, और यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम होती है। नेक्स्ट। उसी को हम देखते हैं कि मांग क्या हुई, कम हुई, कीमत कम हुई और मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यदि वस्तु की कीमत कम होती है तो मांग उसके अनुरूप बढ़ती है। ये सब हम जानते हैं, पूर्व में अध्याय में हमने मांग के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट। इसी प्रकार यदि कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाती है। तो ये सारी चीजें हमें पूर्व में पता है कि मांग के नियम के द्वारा क्या होता है कि वस्तु की कीमत कम होगी उसकी मांग बढ़ेगी, और वस्तु की कीमत बढ़ेगी उसकी मांग कम होगी। नेक्स्ट। तो आते हैं मांग की लोच या कीमत लोच। मांग की लोच या कीमत लोच का मतलब होता है कीमत परिवर्तन के कारण मांग में होने वाले परिवर्तन की माप करना मांग की लोच अथवा कीमत लोच कहलाती है। मतलब क्या हुआ, हमें यह तो पता है कि कीमत कम हुई तो मांग में वृद्धि हुई है, परंतु यह कितनी हुई ये हमें नहीं पता है। हमें सिर्फ दिशा का पता है कि कीमत अगर ऊपर की दिशा में जा रही है तो उसकी मांग क्या हो रही है, कम होती जा रही है, नीचे की दिशा में आ रही है, परंतु कितनी कम हो रही है, कितनी बढ़ रही है, इसके बारे में हमें नहीं पता है। तो उस चीज को प्राप्त करने के लिए हमें मांग की लोच प्राप्त करनी है। मांग की लोच ये बताती है कि वस्तु की कीमत के कारण मांग में कितना परिवर्तन हुआ है, उसको हम कहते हैं परिवर्तन की माप। तो मांग की लोच का तात्पर्य यही है कि वस्तु की कीमत के कारण जो परिवर्तन मांग में हुआ है वो कितना परिवर्तन हुआ है, उसको हम मांग की लोच कहते हैं, अर्थात परिवर्तन की माप प्राप्त करना वो मांग की लोच कहलाता है। जैसे उदाहरण लेते हैं, यदि एक संतरा है उसकी कीमत मान ले 10 रुपए से बढ़कर 20 रुपए हो जाती है, और मांग 30 रुपए से कम होकर 15 हो जाती है, तो इस प्रकार मांग में होने वाली परिवर्तन की मात्रा मांग की लोच कहा जाता है। अर्थात मांग किसकी है, संतरे की, जिसकी कीमत कम हुई है। क्लिक करो। उदाहरण में हमें दिख रहा है कि वस्तु की कीमत 10 रुपए थी तो मांग पर उसकी मांग थी 20 रुपए। अब जब संतरे की कीमत 10 रुपए से बढ़कर 20 रुपए हुई, मतलब कीमत बढ़ी है और उसकी मांग 30 से कम होकर 15 हुई है, अर्थात हमें मात्रा का पता लग रहा है कि जो मात्रा 30 थी वो अब कम होकर 15 हो गई, इसके कारण कीमत में परिवर्तन के कारण। तो हमें मांग की लोच पता हो जाती है कि मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, यही मांग की लोच कहलाती है। व्यवहार में भी हम ये देखते हैं कि वस्तु की कीमत जब बढ़ती है तो उपभोक्ता उसकी मांग कम कर देता है, और कितनी कम करता है वो मांग की लोच कहलाती है। नेक्स्ट। अब हम आते हैं मांग की लोच की श्रेणियां, मतलब कीमत लोच की श्रेणियां भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र में मांग की लोच की 5 श्रेणियां बताई गई है, उनके माप के अनुसार जो माप आता है उसके अनुसार हम उनको 5 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। ये 5 श्रेणियां है, पूर्ण लोचदार मांग की लोच, पूर्ण बेलोचदार मांग की लोच, इकाई लोचदार मांग की लोच, कम लोचदार मांग की लोच, अति लोचदार मांग की लोच। ये जो 5 श्रेणियां हैं वो इस आधार पर प्राप्त हुई है कि आपकी मांग की लोच कितनी आई है, कितनी मात्रा में मांग में परिवर्तन हुआ है, उसके आधार पर 5 श्रेणियों में विभाजित किया है। सबसे पहले हम लेते हैं नेक्स्ट पूर्ण मांग, पूर्ण लोचदार। अब कीमत लोच की श्रेणियां और मांग जो उनके मान आते हैं उनको हमने एक सारणी के द्वारा बताने का प्रयास किया है कि पूर्ण लोचदार किसको कहेंगे जब लोच की मात्रा कितनी आएगी, अनंत। इसी प्रकार अधिक लोचदार किसको कहेंगे जब मांग की लोच 1 से ज्यादा होगी, मतलब जब हम मांग की लोच को प्राप्त करते हैं और उसका मान अगर 1 से ज्यादा है तो हम कहेंगे कि वो अधिक लोचदार है, और यदि उसका मान 1 के बराबर होगा
तो हम कहेंगे कि वो इकाई लोचदार है अथवा लोचदार है। जब लोच की मात्रा एक से कम होगी तो हम कहेंगे कि वो लोचदार कम है या बेलोचदार है, और जब उसका मान शून्य होगा या जीरो होगा तो वो कहलाएगा पूर्ण बेलोचदार मान की लोच। ये होती है लोच और उसकी मात्रा कितनी है, उसके अनुसार हमने उनको श्रेणियों को विभाजित किया है। अब सबसे पहले हम उनको उदाहरण के द्वारा, डायग्राम के द्वारा बताते हैं। सबसे पहले है पूर्ण लोचदार। पूर्ण लोचदार में हमने कहा है कि मान की लोच अनंत होती है, और अनंत ये शो कर रहा है कि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये जो कीमत है उतनी ही कीमत है, और मान क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहां से Q1 से Q और Q2 मांग हो रही है, मतलब मांग में तो वृद्धि हो रही है परंतु कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो पूर्ण लोचदार में क्या हो रहा है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता और मांग में परिवर्तन होता है, उसको हम पूर्ण लोचदार कहते हैं। और उसमें लोच की मात्रा अनंत होती है, मतलब इसमें वक्र जो होता है सीधी लाइन के रूप में होता है। मान की लोच का जो वक्र है वो एक क्षितिज या एक्स अक्ष के समानांतर उसका अक्ष होता है, जिसमें यह दिखाई दे रहा है कि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जबकि मांग में परिवर्तन हो रहा है, उसमें मांग की लोच अनंत होती है। दूसरा हम लेते हैं पूर्ण बेलोचदार। बेलोचदार का मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। वो किस प्रकार से, जब मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है जबकि कीमत में वृद्धि या कमी होती है, कीमत या तो कम हो रही है या बढ़ रही है परंतु मात्रा है वो स्थिर है, मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं है। जो यहाँ पर 100 मात्रा बताई उतनी ही मात्रा है, और इसकी आकृति y अक्ष के समानांतर होती है, जो लंबवत आकृति कहलाती है और वर्टिकल आकृति कहलाती है, और इसमें मान की लोच होती है 0 के बराबर, और इसकी आकृति इस प्रकार से होती है जिसमें हम देख रहे हैं कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कीमत में परिवर्तन हुआ है जबकि मांग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसको कहा जाता है पूर्ण बेलोचदार, और उसमें मांग की लोच 0 के बराबर होती है। अधिक लोचदार, तीसरा नंबर है अधिक लोचदार। अधिक लोचदार का मतलब होता है मांग की लोच की मात्रा एक से ज्यादा होगी। कब होगी एक से ज्यादा, जब कीमत में परिवर्तन कम होता है। हम यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि कीमत में परिवर्तन कम है इतनी मात्रा में, और जबकि मांग में परिवर्तन अधिक हो रहा है। ये जो गैप दिख रहा हमें वो इसकी तुलना में अधिक है, इसका मतलब होता है कि मांग अधिक लोचदार है। यदि वस्तु की कीमत में परिवर्तन कम हुआ है और मांग अधिक कम हुई या बढ़ी है, तो दोनों स्थितियों में ये अधिक लोचदार कहलाता है, इसको कहा जाता है अधिक लोचदार मान की लोच, और इसमें लोच की मात्रा एक से ज्यादा होती है। चौथे नंबर पर आते हैं, चौथी श्रेणी है, उसको कहा जाता है कम लोचदार या बेलोचदार, दोनों नाम है इसके, या तो कम लोचदार कहें या इसको बेलोचदार कहें। इस स्थिति में क्या होता है, कीमत अधिक कम ज्यादा होती है, ये जो कीमत वाला भाग है उसमें परिवर्तन अधिक दिख रहा है, इसमें परिवर्तन अधिक दिख रहा है जबकि मात्रा में परिवर्तन है वो कम दिख रहा है। तो मात्रा में परिवर्तन कम हो कीमत में अधिक परिवर्तन होता है तो वो कहलाता है कम लोचदार या बेलोचदार मान की लोच। ये इसमें मान की मात्रा की लोच की मात्रा होती है एक से कम होती है, उसको कहा जाता है बेलोचदार। अंतिम पर हम आते हैं इकाई लोचदार। इकाई लोचदार का मतलब है जब मान की लोच एक के बराबर होगी। एक के बराबर कब होगी, कि जब कीमत में और मांग में परिवर्तन समान हो। कीमत में जितना परिवर्तन हो रहा है और मात्रा में भी उतना ही परिवर्तन होगा तब हम कहेंगे कि मान की लोच एक के बराबर है, इसको इकाई लोचदार भी कहते हैं, लोचदार भी कहा जाता है। और इसमें अति परवलयकार मांग वक्र होता है, यदि कोई भी वक्र अति परवलयकार होता है तो उसमें मांग की लोच हमेशा एक के बराबर होती है, उसको हम इस स्थिति को हम कहते हैं अति परवलयकार मांग वक्र। कोई भी वक्र अगर अति परवलयकार होगा तो वह पर मांग की लोच हमेशा एक के बराबर होती है, इस आकृति को हम अति परवलयकार आकृति भी कहा जाता है। यह तो हो गई मांग की कीमत लोच की श्रेणियां। श्रेणियां पता होने के बाद अब मांग की लोच ज्ञात कैसे करते हैं,
श्रेणियां हमें पता है कि एक से अधिक होती है, एक से कम होती है, परंतु ये ज्ञात कैसे होती है, इसके लिए अर्थशास्त्र में तीन विधियां बताई गई है जो आपके प्रमुख रूप से 12वीं कक्षा में अध्ययन करवाई जाती है। पहली तीन विधियों के नाम है फ्लक्स की प्रतिशत विधि, दूसरी है मार्शल की व्यय विधि और तीसरी है ज्यामितीय बिंदु लोच विधि। इन तीनों विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस विधि में किस प्रकार से मान की लोच प्राप्त की जाती है। सबसे पहले हम लेते हैं फ्लक्स की प्रतिशत विधि। फ्लक्स की प्रतिशत विधि ये कहती है कि मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन ऊपर आएगा और कीमत की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे में आएगा, अर्थात कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन होने के कारण मांगी गई मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसे हम मान की लोच कहते हैं। कैसे होता है, इसको आनुपातिक सूत्र के रूप में भी बताया जाता है कि मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन और कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, इन दोनों को भाग के रूप में आनुपातिक के रूप में बताते हैं, तब ये सूत्र निकल के आता है ED बराबर डेल्टा Q अपन डेल्टा P इंटू P अपन Q। अब इनका मतलब क्या होता है, डेल्टा Q का मतलब हुआ मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। यदि मान लो मात्रा 10 से बढ़कर 20 हुई तो परिवर्तन कितना होगा 10 का, तो मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन होता है वो डेल्टा क्यू। डेल्टा का मतलब हमेशा परिवर्तन होता है और क्यू का मतलब होता है मात्रा क्वांटिटी, तो क्वांटिटी में कितना परिवर्तन हुआ है डेल्टा क्यू। क्यू का मतलब होता है मांगी गई मूल मात्रा, मतलब प्रारंभिक मात्रा कितनी थी। मान लो पहले प्रारंभिक मात्रा 10 थी और बढ़कर 20 हुई तो प्रारंभिक मात्रा क्यू बराबर क्या आएगा 10 और परिवर्तन भी 10 आएगा क्योंकि 10 से 20 हुई। डेल्टा पी का मतलब, पी का मतलब प्राइस और डेल्टा का मतलब परिवर्तन, तो कीमत में परिवर्तन उसको P1 माइनस P मतलब प्रारंभिक कीमत में से पूर्व की कीमत को माइनस करेंगे तो परिवर्तन आ जाएगा। मान लो कीमत 10 से बढ़कर 20 हुई या 20 से बढ़कर 50 हुई तो जो भी परिवर्तन हो रहा है उसको प्राप्त करेंगे डेल्टा P के माध्यम से। P का मतलब होता है प्रारंभिक कीमत यानी मूल कीमत, स्टार्ट में उसकी कीमत क्या थी प्रारंभ में, और ED का मतलब मान की लोच का गुणांक जो हमेशा ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक का मतलब यह हमेशा माइनस की शो होता है क्योंकि कीमत और मात्रा में हमेशा विपरीत संबंध होता है, इसके कारण यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाया जाता है जो ये दर्शा रहा है कीमत और मांग मात्रा में विपरीत संबंध होता है। ये तो हुई फ्लक्स की प्रतिशत विधि, जिसमें आंकड़े अगर प्रतिशत के रूप में है तो प्रतिशत का सूत्र लेंगे, और आंकड़े अगर आनुपातिक के रूप में है जैसे कीमत और मात्रा दे रखी है उसमें परिवर्तन दे रखा है तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, उसके आधार पर मांग की लोच ज्ञात करेंगे और उसके आधार पर बताते हैं कि ये किस श्रेणी की लोच है। नेक्स्ट प्रोफेसर मार्शल ने भी अपनी एक व्यय विधि दी है जिन्होंने कुल व्यय को आधार लिया, कुल व्यय को आधार लेकर उन्होंने मान की लोच की श्रेणियां बताई है कि किस में इसको शामिल करेंगे। इन्होंने तीन प्रकार की श्रेणियां बताई है जिसमें मान की लोच या तो एक से कम होगी, एक के बराबर होगी या एक से अधिक होगी। एक से कम कब होगी, जब कीमत क्या हो रही है बढ़ रही है, ये आकृति डी से और सी ये आकृति दिखा रही है दर्शा रही है कि कीमत तो बढ़ रही है और उसके कुल व्यय भी बढ़ रहा है। जब कीमत बढ़ती है और कुल व्यय भी बढ़े तब मान की लोच एक से कम होगी, और यहाँ पर बी और सी ये वक्र है, दूसरा वक्र बी और सी है जो ये दर्शा रहा है कि कीमत में कोई कीमत में परिवर्तन हो रहा है परंतु कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। कीमत चाहे बढ़ रहे या कम हो परंतु कुल व्यय स्थिर है, मतलब खर्च जो उस पर वस्तु पर खर्च किया जा रहा है जो कीमत के कारण प्रभावित हो रहा है वो स्थिर है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा व्यय में, तब मान की लोच एक के बराबर होगी। और मान की लोच एक से ज्यादा कब होगी, जब कीमत कम हो या अथवा बढ़े पर कुल व्यय में भी परिवर्तन क्या हो रहा है बदल रहा है, तब जब कीमत क्या हो रही है इधर आ रही है इसका मतलब बढ़ रही है और कुल व्यय भी कम हो रहा है, और जब कीमत कम होती है इस तरफ आती है तो कुल व्यय बढ़ता है, मतलब विपरीत संबंध है, तब मान की लोच एक से ज्यादा होती है। तो मार्शल ने अपने इस डायग्राम के माध्यम से तीन प्रकार की मांग की लोच बताई है जिसमें कुल व्यय को आधार लिया है और उसके आधार पर मांग की लोच की श्रेणियां बताई है।